वेलकम टू माई चैनल गाइस। और जैसा कि मैंने कहा था, आज हम ये एनिमेशन बनाना सीखेंगे। और इससे भी पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि तो अगर आपको ये सब चीज़ें सीखना है तो मुझे सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड सी हाउ आई मेड दिस। यहाँ जितने भी फाइल्स का मैं यूज़ करूँगा, आपको मैं उसे डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, तो चिंता मत करना। तो हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि जो भी अपने पास बैकग्राउंड है उसे ऐड कर देंगे। फिर मेरे पास हैंड का कुछ इस तरह का PNG है, जिसे भी मैं इस बैकग्राउंड के ऊपर रख दूँगा। साथ में मेरे पास एक इस तरह का फ्रेम है, जिसे भी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। एंड बाय द वे, मुझे 5 फ्रेम चाहिए, तो मैं इसे 4 बार और डुप्लीकेट कर दूँगा और इधर उधर फैला दूँगा कुछ इस तरह, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। और ये कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं, तो इनकी साइज को थोड़ी सी कम कर देते हैं। बीच वाले को मैं बड़ा रखूँगा। अब सभी को आपकी मर्जी से जैसा भी चाहे वैसा रोटेट कर देना, क्योंकि ये सभी थोड़े थोड़े अलग लगने चाहिए। एक ही डायरेक्शन पर रहेगा तो सही नहीं रहेगा। अभी आप पेन टूल सेलेक्ट करना और कुछ इस तरह से लाइन क्रिएट करना, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। जब ये हो जाए तो टाइमलाइन पर कहीं भी क्लिक कर देना। अब उस लेयर को फिर से सेलेक्ट करना और दूसरे उंगलियों से लाइन बनाना शुरू करना है। फिर से टाइमलाइन पर कहीं पर भी आप क्लिक कर देना है। एंड अगेन आपको उसी लेयर को क्लिक करना है, देन आपको इस पे लाइन बनाना है। ऐसा करने से हमारे पास सिर्फ एक ही लेयर में इतने सारे लाइंस बन जाएंगे। अब इस लाइन वाले लेयर को मैं ओपन करूँगा। इसके ऐड में जाकर विगल पाथ को सिलेक्ट कर लूँगा। फिर विगल पाथ के अंदर जाएंगे एंड डिटेल्स को जस्ट 5 कर दीजिए, तो ये लाइन थोड़ी सी हिलती डुलती नज़र आएगी। अब नेक्स्ट काम ये है कि यहाँ 4 और 8 सेकंड पर एक एक मार्क लगा देना है। अभी इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना, माउस पर राइट क्लिक करना और टाइम वाले ऑप्शन पर जाना। फिर यहाँ पर एनेबल टाइम रीमैपिंग को ऑन कर देना, जिससे कि यहाँ पर टाइम रीमैप के की फ्रेम ऐड जाएंगे। अब जहाँ भी मार्कर है वहाँ पर की फ्रेम ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ 8 सेकेंड पर। अभी एक काम करना, इस वाले मार्कर को मैं कॉपी कर देता हूँ और अभी टाइमलाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे। यहाँ पर जो पहले से की फ्रेम था उसे डिलीट कर देंगे और उसकी जगह जो की फ्रेम कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देंगे। ये मैंने क्या किया आपको समझ नहीं आया होगा, मैं दिखाता हूँ। इन सबको पहले हाइड कर देते हैं। देखो, जब हम इसे प्ले करते हैं तो पहले तो ये पीछे की ओर चलता है एंड देन उस की फ्रेम के बाद आगे की ओर आता है। अभी सबको अनहाइड कर देना। अभी मेरे पास बहुत सारे क्रिएटर की फोटोज़ हैं, इन्हें मैं इस फ्रेम पर लगाऊंगा। इन्हें सही से एडजस्ट करने के लिए पहले तो इसकी ऑपेसिटी को मैं कम कर दूंगा, ताकि मैं पीछे की फ्रेम को देख पाऊँ। अब इन सभी फ़ोटोज़ को सही से एडजस्ट करते हैं। अब इन्हें फ्रेम में पूरी तरह से डालने के लिए मैं पेन टूल यूज़ करूँगा और उसी फ़ोटो को सेलेक्ट करूँगा जिसको हमें फ्रेम के ऊपर रखना है। जैसे कि सबसे पहले महेश वाले लेयर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पीछे के फ्रेम को देखते हुए इसे मास्क कर देंगे, तो ये परफेक्टली इस पर फिट हो जाएगा। यही सारे काम हमें सभी फ़ोटोज़ पर करने हैं। काम पूरा हो जाने के बाद वापस से इसकी ओपेसिटी को 100% पर सेट कर देना। अभी मुझे इन फोटोज़ को इसके पीछे के फ्रेम से कनेक्ट करना है, लेकिन मुझे अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा फ़ोटो का पीछे वाला फ्रेम कहां पर है। तो एक काम करता हूं, मैं इनको अच्छे से रीनेम कर देता हूं। जैसे कि ये अजय नागर के पीछे का फ्रेम है, तो इसे मैं फ्रेम 1 कर देता हूं। और उसी तरह से सबको करना है, तो अब हमें कनेक्ट करने में आसानी होगी। तो अब देखिए, जैसे कि महेश वाले लेयर को हम पेरेंट एंड लिंक वाले ऑप्शन से इस फ्रेम M से जोड़ देंगे। खुशा के लेयर को ऑफकोर्स फ्रेम K से जोड़ेंगे। एल्विस को फ्रेम E से जोड़ देते हैं एंड इसी तरह से बाकियों को भी जोड़ देना। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें इन फ्रेम्स के जो एंकर पॉइंट हैं उन्हें ऊपर ले जाना है उसके हुक पर। तो इसके लिए सबसे पहले कोई भी सब फ्रेम को सिलेक्ट कर लेना, फिर इस एंकर पॉइंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना एंड देन इस तरह से उसके एंकर पॉइंट को ऊपर की ओर ले जाना उसके हुक पर। अब जैसा कि आपको पता है, ये काम आपको सारे फ्रेम के लिए करना है। अब मैं इन सभी फ्रेम्स को सिलेक्ट करके R प्रेस करता हूँ, सभी की रोटेशन प्रॉपर्टी ऑन हो जाएगी। अभी एक एक करके काम करते हैं। सबसे पहले फ्रेम 1 पर आता हूँ मैं और इसके स्टॉपवॉच पर कीबोर्ड से Alt को प्रेस करते हुए यहाँ पर क्लिक करना है, जिससे कि ये स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा
अब यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखनी है जो मैं आपको बताता हूँ, विगल और इसके बाद ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज रहेंगे x एंड y। जो x है वो उसको हम स्पीड मान लेते हैं और जो y है वो कितना एंगल है ये बताता है, ठीक है। तो मैं x की वैल्यू मतलब कि स्पीड को सिर्फ एक ही रखूँगा एंड एंगल को सिर्फ 10। तो ये कुछ इस तरह से हल्का हल्का आपको हिलता हुआ दिखेगा। आप इन वैल्यूज़ को चेंज करके देख सकते हैं, मुझे इतना ही चाहिए तो मैं इतना ही रखूँगा। अब मैं इस स्क्रिप्ट को कॉपी करता हूँ एंड बाकी सारे फ्रेम्स में मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। अब ये सभी फ्रेम इस तरह से रोटेशन में विगल कर रहा है। अभी जो है ये सारे लेयर मुझे थोड़े से खाली खाली से लग रहे हैं। इन पर एक इफेक्ट ऐड करते हैं जो हम हमेशा से करते रहते हैं, वो है ग्लो। तो मैं इसे पहले तो हाथ में ऐड कर देता हूँ। इसकी सेटिंग्स पर आते हैं और मैं रेडियस को 100 कर देता हूँ और इंटेंसिटी को जस्ट 0.5। फिर इसे कॉपी कर देना और बाकी सभी लेयर्स में पेस्ट कर देना, सिर्फ बैकग्राउंड वाले लेयर को छोड़कर। अभी ये जो बैकग्राउंड है वो मुझे इसका रंग पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं इस पर एक इफेक्ट ऐड करता हूँ, व्यू सैचुरेशन। और इस वैल्यू को इस तरह से चेंज करेंगे तो हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसे रेड रखना चाहूँगा, अभी ये सही लग रहा है। साथ में एक और इफेक्ट ऐड करते हैं, सीसी विनेट। और एक लास्ट इफेक्ट और ऐड करना है, एक्सपोजर। और इसके एक्सपोजर की वैल्यू को जस्ट एक कर देना। ये सब हो जाने के बाद इन सबको अनहाइड कर देना। अभी इन ऊपर की सभी लेयर को बस बैकग्राउंड को छोड़कर प्रीकंपोज कर देना। इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+C। फिर आपको इस प्रीकंपोज को 3D बना देना है। इसकी पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन करना है, इस मार्कर पर ये की फ्रेम ऐड कर देना और टाइमलाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पर आना और जेड की वैल्यू को कुछ इस तरह से चेंज करना कि ये आगे की ओर आ जाए। इसे थोड़ा ऊपर कर लूँ ताकि ये फ्रेम देखने लगे। अब आपको जाना है दूसरे मार्कर पर। नाउ जेड की वैल्यू को कुछ इस तरह से चेंज करेंगे कि ये फ्रेम आगे आकर पूरी तरह से हाइड हो जाए, कुछ इस तरह। शुरुआत के की फ्रेम्स को सिलेक्ट करते हैं और कुछ इस तरह का फ्लो बनाते हैं जो शुरुआत तो फास्ट से हो फिर वो एनिमेशन स्लो हो जाए, और इसे अप्लाई कर देना। आगे की दो की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, इसके लिए कुछ अलग फ्लो बनाना है कुछ इस तरह से, जो शुरुआत स्लो से हो फिर फास्ट हो जाए फिर एट द एंड स्लो हो जाए, इसे अप्लाई कर देना। तो ये कुछ इस तरह से एनिमेट करेगा। एंड ये जगह खाली खाली सा लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर एक TV को ऐड कर देता हूँ। आपको इसे भी 3D बना देना है और इसे भी उसी तरह का मूवमेंट देना है जैसे कि इस प्रीकंपोज को दिए थे। तो मैं सबसे पहले इसके एंड पर चला जाता हूँ और एक की फ्रेम ऐड करता हूँ। फिर आपको इस लेयर की स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना है और इसको पीछे की ओर ले जाना है जेड वैल्यू को चेंज करते हुए। ये अभी भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, इसके ऑपोसिटी वाले ऑप्शन को ऑन करते हैं, इस पॉइंट पर एक की फ्रेम ऐड करते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर इसकी वैल्यू को 0 कर देते हैं। तो अब ये ठीक है। एक चीज करना भूल गए, इसके पोजीशन वाले की फ्रेम पर हमने फ्लो ऐड नहीं किया, तो इन्हें सेलेक्ट करना और यही वाला फ्लो ऐड कर देना जो नीचे पे किए थे। तो ये कुछ ऐसा इसके साथ ही एनिमेट करेगा। साथ में हम इसके अंदर एक फ़ोटो लगाना तो भूल ही गए। तो मेरे पास एक इस तरह का फ़ोटो है जिसे मैं इसके नीचे ऐड कर देता हूँ। याद रहे इसे भी 3D बना देना, इसे इस TV के फ्रेम में सही से एडजस्ट कर देना और साथ ही पेरेंट एंड लिंक वाले ऑप्शन से इसे TV से कनेक्ट कर देना ताकि ये फ़ोटो भी उस TV के साथ एनिमेट करे। और ये सब हो जाने के बाद जैसे कि हमने हर लेयर पर ग्लो इफेक्ट ऐड किया था, इन TV और उस फोटो पर भी ऐड कर देना। अब हमारा लास्ट काम ये रह गया है कि यहाँ पर हम न्यू पर जाकर एक सॉलिड लेयर को ऐड करते हैं। इस सॉलिड लेयर पर एक इफेक्ट ऐड करते हैं, ग्रेडियंट रैम। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ नीचे पर वाइट है और ऊपर पर ब्लैक है। तो जस्ट आपको इसके सेटिंग पर आकर इसे स्वैप कलर कर देना जिससे ऊपर का साइड वाइट हो जाए और नीचे का साइड ब्लैक हो जाए। अभी इस ऑप्शन को ऑन करना और इस सॉलिड लेयर के ब्लेंडिंग ऑप्शन पर जाना और इसे ओवरले पर सेट कर देना। एंड अंत में ये कुछ ऐसा लगेगा।